हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम नाइन्थ के लिए कुछ ना कुछ मैटर अपलोड करते रहते हैं, तो आज का जो हमारा लेसन है वो लेसन नंबर 5 है, जिसका हाफ लेसन अपलोड हो चुका है और हाफ रह गया था, तो वो हम देख लेते हैं। इसके बीच में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था वो आपने देख लिया होगा, जहाँ देशी राज्य अपने राज्यों और भारत सरकार से संबंधित विचार विमर्श करते थे। सारी सारी चीज़ें हो चुकी थी। उसके बाद में बिजोलिया किसान आंदोलन के सूत्रधार पथिक को बोल्शेविक कहा, एक बार फिर समान हितों की बात कहकर देशी राज्यों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया गया। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है 9th क्लास के, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है? कमेंट सेक्शन में अगर आप बताते हैं, नहीं तो आप हमारे कमेंटेड ऐप से आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हैं और वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो उसके बाद में देख सकते हैं, जोधपुर महाराजा के संरक्षक प्रताप सिंह इस आंदोलन के कारण इतना बौखला उठे कि उन्होंने राज्य में विदेशी माल को प्रोत्साहन देना आरंभ हो गया था। ये बात भी हो चुकी है हमारी, ब्रिटिश सरकार अब यह प्रयत्न करने लगी थी कि राजस्थान के राज्यों में अंग्रेज मंत्रियों की नियुक्ति हो, ताकि वे राज्यों में बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना पर नियंत्रित रख सके। तो अब क्या अंग्रेज लोग जो चाहते थे, वो चाहते थे कि जो भी यहाँ पे राजा महाराजा हैं, इनके यहाँ पे मंत्री कौन हो, हमारे लोग हों, अंग्रेज लोग हों, ताकि हम लोगों को नौकर बना सकें, लोगों से जितना हमने काम करवाना है वो करवा सकें, और उनकी अन्य गतिविधियों पर अंकुश लगा सकें या ऐसे काम करवा सकें जिससे ये हमारे खिलाफ़ आवाज़ ना उठा सकें, ठीक है? उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक तक राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित लोग आ गए। अब जब से शिक्षित लोग आ जाते हैं, तो उनको पता है कि हमारे ऊपर जिस तरह से ये व्यवहार कर रहे हैं, तो हम इस दुर्व्यवहार के खिलाफ क्या कुछ कर सकते हैं, वो इनको पता होता है। तो इन्होंने फिर नए युग की सूत्रपात की और जन आंदोलन करने शुरू किए। तो राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना होना शुरू होगी। प्रथम 1927 ईस्वी से पूर्व, द्वितीय 1927 से 1938 तक, तृतीय 1938 से 1939 तक। तो राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष 3 चरणों में हुआ। प्रथम चरण के अंदर जो सामाजिक और मानवतावादी समस्याएं थी उन पे केंद्रित था। द्वितीय चरण के अंदर क्या हुआ कि ऑल इंडियन स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन के प्रस्ताव को पास कर रियासतों में लोगों द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की भी बात कही गई। उसके बाद में प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व भी मुख्यतः बुद्धिजीवी वर्ग ने ब्रिटिश भारत के समान रियासतों में भी प्रजा के अनेक संगठन बनाए। तो 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा, 1919 में राजस्थान सेवा संघ, 1920 में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना हुई, और इन संगठनों के माध्यम से ही स्वतंत्रता आंदोलन में तीव्रता आने लगी। उसके बाद में प्रजामंडलों की स्थापना, तो 1931 में सबसे पहले जो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी वो थी जयपुर की। उसके बाद में परंतु इसने राजनीति में प्रवेश किया 1938 को, 1931 में तो इसकी स्थापना हुई थी, 1938 में इसने प्रवेश किया। तो उसके बाद में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में, कोटा में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में, उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल व अलवर में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना भी की गई थी 1938 के बीच में ही ये है। 1939 में भरतपुर की बूंदी ने प्रजामंडल की स्थापना कोटा से 6 वर्ष बाद 1944 में की, 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की, और 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना बम्बई में की गई। बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना 1936 में की गई। अब मैं आपको एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी जो प्रजामंडल हैं, इनकी स्थापना कब की गई, किसके द्वारा की गई, कहाँ की गई, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही पेपर के अंदर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। चाहे आपका सिविल एग्जाम हो, चाहे आप 9th 10th या कोई भी क्लास का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई या कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब की गई। उसके बाद में सबसे पहला है जो जोधपुर में जन आंदोलन, तो जोधपुर में जन आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1938 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए। उन्होंने लोगों से त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया। अंग्रेजों ने देशी राज्यों से परामर्श किए बिना ही देशी राज्यों को युद्ध में धकेल दिया। तो मारवाड़ लोक परिषद में इसके विरोध में आवाज़ उठाएगी, जो जोधपुर वाला इलाका था। तो जोधपुर के जय नारायण व्यास ने सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया। 29 मार्च 1940 को लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया। इसके मतलब ये है कि जो अंग्रेज लोग नहीं चाहते थे वो चीज़ें होने लगी। अंग्रेज लोग ये चाहते थे कि ये जन आंदोलन ना हो, लोग हमारे खिलाफ आवाज़ ना उठाएं, पर क्या हुआ कि जोधपुर के अंदर इनके खिलाफ आवाज़ उठाने लग गए। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इनकी जो भी संस्थाएं थी उनको गैर कानूनी घोषित कर
कर दिया और जितने भी इनके नेता थे उनको चक्के जेल में डाल दिया। छात्रों ने भी इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके बीच में जगदीश लाल, जोरावर मल और देख लेते और कौन है, और मदन लाल, इन्होंने छात्रों को स्कूल जाने से रोका, परीक्षा न देने का अनुरोध किया। 18 अगस्त 1942 को आंदोलन के छठे डिक्टेटर फूलचंद बाफना को गिरफ्तार कर लिया गया। नागौर के शिवदयाल दवे को भी, जिसे सातवां डिक्टेटर बनाया गया था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। आठवें डिक्टेटर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार पुलिस ने एक ही दिन में लोक परिषद के 3 डिक्टेटरों को गिरफ्तार कर लिया। तो अगर आपसे पूछा है कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने करवाई थी, तो आप क्या कहेंगे, जयनारायण व्यास ने। उसके बाद में 18 अगस्त 1942 को 5 स्त्रियों ने कुछ स्कूली छात्रों के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी नारे लगाते हुए प्रभात फेरी निकाली। तो अब आपको बताइए क्या हुआ होगा, तो पुलिस वालों को क्रुद्ध जनता ने बुरा भला कहा, पुलिस वालों ने के ऊपर पत्थर भी फेंके। फिर क्या हुआ कि आपको पता है कि अंग्रेज वाले हैं, तो वो उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे उठाएंगे, तो बच्चों ने क्या किया, वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने लगे। तो 22 सितंबर 1942 को एक सभा में सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन संबंधी गीत गाए। आर्य समाज कन्या पाठशाला की प्रधानाध्यापिका ने भी इस सभा में जोशीला भाषण दिया। 1944 ईस्वी में जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गई। 1946 को डाबरा कांड हुआ, जिसमें डीडवाना के जागीरदारों ने अपने सामंती सहयोगियों के द्वारा लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर अमानवीय अत्याचार करवाए। तो 1946 के अंदर जो डाबरा कांड हुआ था, इसके जो बड़े बड़े जागीरदार थे, उन्होंने अपने ही वहाँ के जो लोग हैं, लोक परिषद के कार्यकर्ता, उन पर बहुत ज़्यादा ही जुल्म सहे। 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह का देहांत हो गया था। उनके पुत्र हनुमंत सिंह को गद्दी नशीन किया गया, मतलब कि उनको गद्दी से ही हटा दिया गया। नए राजा ने प्रधानमंत्री वेंकटचारी को भी हटा दिया गया और अपने जागीरदारों व रिश्तेदारों का मंत्रिमंडल बना लिया। अब जो अंग्रेज लोग हैं, वो तो यही चाहेंगे कि सभी जगह हमारी मतलब राजा हो या हुकूमत हो, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, 28 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने वीपी मेनन को जोधपुर भेजा, उनकी वहाँ पे स्थिति देखने के लिए कि लोगों की क्या स्थिति है, या वो राजा को समझा सकते हैं या नहीं समझा सकते। तो 1948 में जयनारायण व्यास के मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ। तो 1948 के अंदर जयनारायण व्यास ने ही मंत्रिमंडल का निर्माण किया था, और 1949 में जोधपुर बृहत राजस्थान में विलीन हो गया। तो जोधपुर को बृहत राजस्थान के अंदर शामिल कर लिया गया। उसके बाद में आता है बीकानेर में जन आंदोलन। तो बीकानेर के अंदर महाराजा गंगा सिंह थे, उनकी जो योग्यता वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी थी। उन्होंने जो व्यवस्थापिका, हाईकोर्ट और नगर पालिकाओं का निर्माण कर सुधारक की भूमिका निभाई थी, परंतु जन आंदोलन को उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति से दबा दिया था। तो बीकानेर में जन जागृति लाने वाले चूरू के स्वामी गोपालदास सर्वप्रथम थे। बीकानेर षड्यंत्रकारी केस में स्वामी गोपालदास व 8 साथियों को फंसा दिया गया और जेल में यातनाएं दी गई। मगराम वेद के राजा के आतंक के कारण कलकत्ता जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। किसने की, मगाराम वेद ने। 1943 में गंगा सिंह की मृत्यु के बाद उनके बाद शार्दुल सिंह राजा बने। पिता की तरह पुत्र ने भी दमन चक्कर चालू रखा। 1947 के बाद राजा बदलते समय को पहचान गए और 1947 में बीकानेर एक्ट पास कर दिया, जिसमें द्विसदनीय व्यवस्थापिका, राज्यसभा तथा धारासभा की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग व हाईकोर्ट का भी गठन किया गया। जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। 1947 में बीकानेर ने केंद्रीय संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेजे। उसके बाद में क्या हुआ कि अब वो सारे के सारे वयस्क मताधिकार या जो भी मताधिकार होने लग गए, तो जनता के बीच में सारा का सारा शासन आ गया। तो शासक ने यह भी घोषणा कर दी कि 2 वर्षों के भीतर ही उनके संरक्षण में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई जाएगी। तो 1948 में महाराजा ने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया। प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं के ने एक सभा की घोषणा की और नया संविधान स्वीकार करने योग्य नहीं है। 2 फरवरी 1948 को यह घोषणा की गई। उसके बाद में 18 मार्च 1948 को शार्दुल सिंह ने मंत्रिपरिषद के स्थान पर एक मिला जुला अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने की घोषणा की, और वो भी अपना ही शासन करना चाहते थे। उसके बाद में क्या हुआ, प्रजामंडल के सदस्यों ने मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे दिया। विवश होकर महाराजा ने मंत्रिमंडल को भंग कर दिया। तो अब अगर मंत्रिमंडल भंग हो गया, तो केंद्र के ऊपर दबाव आ जाता है, फिर उनको वापस से चुनाव कराने पड़ते हैं, या चुनाव हो रहे हों तो वो रद्द हो जाते हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि महाराजा शार्दुल सिंह ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इसमें भाग लेने का निर्णय किया। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के एम पानिकर ने संविधान निर्मात्री सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।
महाराजा शार्दुल सिंह ने बीकानेर राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का निर्णय किया। तो उसके बाद में कुछ और आंदोलन रह गए हैं, वो आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको जाकर जरूर देखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।